Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next chapter of business environment in Haryana, that is Haryana Khadi and Village Industries Board. So let us begin with the topic. So let us start with the introduction. Haryana Khadi and Village Industries Board is a statutory organization set up by Haryana government in the year 1969 under Punjab Khadi and Village Industries Board Act 1955. The board is engaged in promoting and developing Khadi and village industries in the rural areas. सो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सेटअप किया हरियाणा गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1969 अंडर पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड एक्ट 1955. इस बोर्ड का मेन पर्पस था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, उन्हें डेवलप करना. सो इट प्लान्स, promotes, organizes and implements the programs for the development of khadi and village industries. So is board ne different programs ko plan kiya, organize kiya and implement kiya in order to develop the khadi and village industries. So in is board mein 15 members the who are appointed by the government, and these members includes chairman, chief executive, secretary, joint secretary, other official and non-official members. So the board operates in the state through its district offices located at the district headquarters. The board creates employment opportunities by developing the khadi and village industries at a very low per capita investment. तो जो बोर्ड है इसका मेन पर्पस क्या था, मेन मोटिव यही था कि डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना इन द रूरल एरियाज़ बाय डेवलपिंग मोर एंड मोर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ विद अ वेरी लो कैपिटा इन्वेस्टमेंट. सो इस पर्पस के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन को भी सेटअप किया गया एट सेंट्रल लेवल हु एम्स टू प्रमोट एंड डेवलप द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ इन द नेशन. सो इस कमीशन ने एंड इस बोर्ड ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द नॉन फार्म सेक्टर इन द रूरल एरियाज़. सो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड को भी कुछ स्पेशल पार्ट्स दी गई, एंड ये बोर्ड डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर पाएगा अब विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, सो दैट कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के, पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड एक्ट के, वो अच्छे से फुलफ़िल हों. सो नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़. सो खादी मीन्स एक फैब्रिक जो कि मोस्ट कम्फर्टेबल फैब्रिक है, स्किन फ्रेंडली फैब्रिक है एंड इको फ्रेंडली फैब्रिक है. Now khadi fabric is available in attractive designs. So as per khadi and village industries commission act, khadi means ek handloom cloth jo ki bahut comfortable hai, elegant hai, skin friendly hai and eco friendly hai. So main motive kya tha is board ka ki khadi industries ko zyada se zyada develop karna. नेक्स्ट विलेज इंडस्ट्रीज़. विलेज इंडस्ट्रीज़ मीन्स वो इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप होंगी इन दी विलेजेस. सो मेन मोटिव क्या था हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड का कि विलेज इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना. सो विलेज इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन को भी सेटअप किया गया एंड डिफरेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स भी सेटअप किए गए फॉर दी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ इन द रूरल एरियाज़. सो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ इन द रूरल एरियाज़. नेक्स्ट कम्स द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोर्ड. तो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना इन द रूरल एरियाज़, मार्केटिंग करना, सेल करना खादी प्रोडक्ट्स की. नेक्स्ट एक सेल्फ रिलायंस की सेंस को डेवलप करना अमंग द रूरल पीपल सो दैट कि वो स्ट्रॉन्गली काम कर सकें बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए.
नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उनको फॉर दी ऑपरेशन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, उनको एडवाइस प्रोवाइड करना एंड उनके लिए रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट करना फॉर डेवलपिंग खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट कम्स द फंक्शंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। फर्स्ट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना, एनकरेज करना, डिफरेंट पर्सन्स को एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें इन द रूरल एरियाज़। रूरल पीपल को हेल्प करना इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट उन्हें मॉनेटरी हेल्प करना सो दैट कि वो अच्छे से अपने ऑपरेशंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एस्टैब्लिश करना इन द एरिया ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो डिफरेंट वर्कर्स होंगे, जो डिफरेंट आर्टिजन्स होंगे हु आर वर्किंग इन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। आर्टिजन्स वो पर्सन्स होंगे हु आर वर्किंग विद देयर हैंड्स, और उनके लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स को अरेंज करना, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना, उनके प्रोडक्ट्स की सेल के लिए अरेंजमेंट्स करना और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स और एफर्ट्स करना सो दैट कि उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उसकी पब्लिसिटी की जाए। एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, रिसर्च वर्क में उनकी हेल्प करना, उनको एनकरेज करना एंड अदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट कम्स द स्टेप्स टेकन बाय द बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए अब कुछ स्टेप्स लिए गए बाय द हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड। फर्स्ट कम्स इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1987। इस स्कीम में सब्सिडी प्रोवाइड की गई 4% की अगर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ ने लोन लिया होगा फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट होगा उसका 4% लेस हो जाएगा। इट मींस अगर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट होगा 9% तो उन्हें 5% के अकॉर्डिंगली ही पे करना होगा, 4% लेस हो जाएगा। तो एक सब्सिडी प्रोवाइड की गई बाय द बोर्ड टू द हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ at the rate of 4%. Next, market development assistance. Government of India ने market development assistance scheme launch की with effect from 1 April 2010 to help the khadi institutions. इस scheme के under क्या किया, इस board ने financial assistance provide की khadi institutions को at the rate of 20% of the value of production of khadi and village industries. जो उनके प्रोडक्शन की वैल्यू थी उसका 20% इस बोर्ड ने उनको प्रोवाइड किया एज अ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। नेक्स्ट कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इंट्रोड्यूस की ये स्कीम फॉर प्रमोटिंग द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। इस स्कीम के अंडर उनको उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की गई। लाइक अगर उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 25 लाख रुपीज़ तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड की एट द रेट ऑफ 10%, और अगर उनकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी 10 लाख रुपीज़ तो उनको सब्सिडी किस रेट से मिलेगी, एट द रेट ऑफ 25%। सो दिस स्कीम वॉज इन ऑपरेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 1995 टू 31 मार्च 2002। नेक्स्ट प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 1966 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में लोन प्रोवाइड किया गया अप टू ₹25 लाख फॉर प्रोवाइडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग द विलेज एंड खादी इंडस्ट्रीज़ इन द रूरल एरियाज़। उसके बाद प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द रूरल पीपल। नेक्स्ट एग्जीबिशंस फॉर डिस्प्लेइंग सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ KVI सेक्टर। इस बोर्ड का मेन पर्पस क्या था कि अरेंजमेंट्स करना सो दैट कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर्स के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको
अच्छे से डिस्प्ले किया जाए और उनकी मार्केटिंग की जाए। नेक्स्ट, नेशनल एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स फॉर द आर्टिजन्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। सो इस बोर्ड का मेन पर्पस ये भी था कि डिफरेंट आर्टिजन्स को इन्होंने नेशनल एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स प्रोवाइड किए। सो नेशनल लेवल पे कैश अवार्ड प्रोवाइड किया 50,000 रुपीज़ का टू दी बेस्ट आर्टिजन एंड 25,000 रुपीज़ पे आउट किए टू दी रनर अप। एंड नेशनल लेवल पे भी बेस्ट आर्टिजन्स को इन्होंने अवार्ड प्रोवाइड किया रुपीज़ 10,000 का एंड रनर अप को प्रोवाइड किया अवार्ड रुपीज़ 5,000 का इन ऑर्डर टू एनकरेज देम टू सेट अप मोर एंड मोर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट, वर्कशेड असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर पुअर आर्टिजन्स को कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। जो पुअर आर्टिजन्स थे जिन्होंने काम किया एक साल में 100 days के लिए, तो उनको कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की गई रुपीज़ 60,000 की और 75% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्कशेड विच एवर इज़ लेस। इट मीन्स डेज के अकॉर्डिंगली उनको कैश असिस्टेंस प्रोवाइड की गई इस स्कीम में। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग वीक और सिक खादी इंस्टीट्यूशंस। जो खादी इंस्टीट्यूशंस वीक थे सिक थे, डिफरेंट स्कीम्स उनके लिए लॉन्च की गई सो दैट कि उनको इम्प्रूव किया जाए। डिफरेंट कंसेशनल क्रेडिट स्कीम्स लॉन्च की उनके लिए, उनको एक्सपर्टाइज प्रोवाइड की गई, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड की गई सो दैट कि उनका रिवाइवल हो पाए। नेक्स्ट, रिबेट ऑन द सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रिबेट प्रोवाइड की ऑन द सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स टू द यूनिट्स विच आर लोकेटेड इन हरियाणा। और कितने परसेंट की रिबेट उनको मिली? 10% की ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स ऑफ 108 days स्टार्टिंग फ्रॉम दी गांधी जयंती। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग द डिज़ाइन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर। नेक्स्ट मेन मोटिव क्या था बोर्ड का? कि जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर, उनकी क्वालिटी और उनकी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव किया जाए, डिफरेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए, रिसर्च पे इन्वेस्ट किया जाए, बेटर इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट किया जाए सो दैट कि उनकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए ताकि उनका डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया गया सो दैट कि इन सेंटर्स का मेन मोटिव क्या रहे? कि रॉ मटेरियल सप्लाई करना इन इंडस्ट्रीज़ को, मशीन्स सप्लाई करना, लोन्स प्रोवाइड करना, रिसर्च सेल को एस्टैब्लिश करना। नेक्स्ट, सेटिंग अप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट सेटअप किया फॉर द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन टू इम्प्रूव द रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एक्टिविटीज़ सो दैट कि रिसर्च एंड डिवेलपमेंटल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया जाए और जो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए बाय एस्टैब्लिशिंग द मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज़। नेक्स्ट कम्स द अचीवमेंट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। तो क्या अचीवमेंट्स रही इन इंडस्ट्रीज़ की? फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द रूरल एरियाज़। बोर्ड ने डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट किए इन ऑर्डर टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया सो दैट कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू डेवलप द इंडस्ट्रीज़ इन द रूरल एरियाज़। अगर अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरिया क्या होगा? डेवलप होगा। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स माइग्रेशन ऑफ द रूरल लेबर। अगर रूरल एरियाज़ में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रूरल पीपल को, तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया।
वो अर्बन एरिया में नहीं जाएंगे, वो रूरल एरिया में ही रहेंगे अगर उन्हें वहाँ पे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एज़ वी नो कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं इनको आप सेटअप कर सकते हो विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये जो डिफरेंट रूरल पर्सन्स होंगे वो मोटिवेटेड फील करेंगे, वो इनकरेज होंगे कि उन्हें बहुत कम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके वो इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर सकते हैं। तो जो उनके मेंबर्स होंगे फैमिली के वो जॉइंटली सेटअप कर पाएंगे इन विलेज इंडस्ट्रीज़ को। सो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अमंग द विलेजर्स। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना मेन मोटिव था इस बोर्ड का। कौन कौन सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, लाइक खादी इंडस्ट्रीज़, बी कीपिंग, फ्रूट्स एंड विलेज इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री एट्सेट्रा। सो इस बोर्ड ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर कंट्रीज़। विलेज इंडस्ट्री सर्व्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़। दे प्रोड्यूस सच गुड्स एंड आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज़ एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज़ थी टू दी अदर इंडस्ट्रीज़। जो ये इंडस्ट्रीज़ गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती थी एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्री डोमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी तो जो डिफरेंट पर्सनस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन दीज इंडस्ट्रीज़। सो जो उनकी डिपेंडेंसी होगी एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, नीड्स लेस कैपिटल। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए एक लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा एंड दीज इंडस्ट्रीज़ आर लेबर इंटेंसिव, सो कंपेयर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज़ दे नीड लेस कैपिटल। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिस्टिक गुड्स। जो विलेज इंडस्ट्रीज़ होंगी ये मोस्टली आर्टिस्टिक गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगी लाइक हैंडलूम्स, कारपेट्स, ऑर्नामेंट्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट कम्स द डिसेंट्रलाइजेशन। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी वो किसी पर्टिकुलर एक प्लेस को ही कंसंट्रेट कर पाएंगी, इट मींस वो डिफरेंट लोकेशंस के नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ होंगी, ये स्मॉल लेवल पे प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को एंड वही गुड्स ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करेंगे एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी वो वन प्लेस पे कंसंट्रेट कर पाएंगी एंड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ होंगी, ये एट टाइम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के नीड्स को कैटर कर पाएंगी। नेक्स्ट, इनकरेजमेंट टू कॉपरेशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को स्टार्टअप हम कर सकते हैं विद अ लिटल कैपिटल और जो इनकी मैनेजमेंट है वो भी क्या होगी, बहुत सिंपल होगी। सो इवन अ कॉमन मैन कैन जॉइन द हैंड्स एंड सेटअप खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। नेक्स्ट कम्स द प्रॉब्लम्स। अब कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी इन इंडस्ट्रीज़ को हरियाणा में। फर्स्ट इज़ शॉर्टेज ऑफ पावर। विलेज इंडस्ट्रीज डू नॉट गेट रेगुलर पावर सप्लाई, रेगुलर पावर और रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से इन विलेजेस को, इन इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और लैक ऑफ सप्लाई की वजह से, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोडक्शन ने भी काफ़ी सफ़र किया। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। ये इंडस्ट्रीज़ स्मॉल लेवल पे वर्क करती हैं तो इसलिए इनको बहुत कम लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई बाय द गवर्नमेंट। सो ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस इनके ऑपरेशंस एफिशिएंटली रन नहीं कर पाए ये। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इन इंडस्ट्रीज़ में आज भी ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ होगा, ओल्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज़ होगा। सो इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टीज इन मार्केटिंग। इन इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की इन द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और वो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या थी, लाइक
एक तो इन इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्न टेक्निक्स का नहीं यूज़ होगा, नेक्स्ट इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स होंगे बिकॉज टेक्निक्स मॉडर्न नहीं हैं, जो कस्टमर्स होंगे वो गुड्स को लाइक नहीं करेंगे बिकॉज ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी, तो डिफ़िकल्टी होगी इन इंडस्ट्रीज़ को इन मार्केटिंग। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, इन इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिशन को फेस करना होगा विद द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे वो चीप होंगे और गुड क्वालिटी के होंगे, बट इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे बिकॉज इन इंडस्ट्रीज़ में मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट लिमिटेड डिमांड फॉर द आर्टिस्टिक गुड्स, अभी हमने बात की कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किसकी होगी, आर्टिस्टिक गुड्स की होगी, बट दीज आर्टिस्टिक गुड्स हैव वेरी लो डिमांड। नेक्स्ट लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स, अब विलेजेस में कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, इलिटरेट हैं, सो ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन उनको नहीं पता कि क्या मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स उनको यूज़ करने हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, विच इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इट मीन्स कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स नहीं है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए, सो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं फिनिश गुड्स, उनका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह से उनकी मार्केटिंग भी क्या होगी, डिफेक्टिव होगी। नेक्स्ट लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, हरियाणा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं हैं विलेजर्स के लिए, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अगर नहीं होंगे तो आर्टिजन्स को ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, सो इट इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, अब सजेशंस क्या होंगे, कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करेंगे, फर्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन द मार्केटिंग फैसिलिटीज़। जो ये बोर्ड है, जो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है एंड जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, उन्हें बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना होगा टू दी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अगर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो इट मींस एक ब्रांड बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का इन द मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेयर्स को अरेंज करना होगा, सो दैट कि जो इन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज किया जाए। नेक्स्ट लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी, मोर एंड मोर क्रेडिट लोन्स should be provided to these sectors so that कि वो अपने operations को efficiently run कर पाएँ। skill development centers की ज़्यादा से ज़्यादा establishment हो to the in the rural areas to improve the skills of the artisans। research and developmental activities में ज़्यादा से ज़्यादा investment हो, this will help to promote design and quality of products। next rural infrastructural facilities में इन ज़्यादा से ज़्यादा investment हो so that कि जो village industries हैं उनको develop किया जाए। next technology में improvement किया जाए, अब गवर्नमेंट को कुछ मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड करनी होंगी इन इंडस्ट्रीज़ को एट दी कंसेशनल प्राइजेस, एंड उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी होगी कि कैसे इन मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट कम्स द ग्रुपिंग ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बाय दी खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, अब इस कमीशन ने कुछ ग्रुपिंग की कुछ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ की, फर्स्ट इज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स पॉटरी एंड लाइम, नेक्स्ट एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, नेक्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, नेक्स्ट हैंडमेड पेपर एंड फाइबर इंडस्ट्री, नेक्स्ट रूरल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टूडेज़ वीडियो, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए टॉपिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोर्ड, फंक्शन ऑफ बोर्ड, स्टेप्स टेकन बाय द बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, अचीवमेंट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ इन हरियाणा, एंड नेक्स्ट सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। सो थैंक यू सो मच।